हेलो यार, वो मेरी चाबी नहीं मिल रही है। तू कहाँ है? मुझे लगा तू घर पे होगा। मैंने फ़ोन पे अपने दोस्त से कहा था, उसने जवाब दिया। अभी तो बाहर आया हूँ यार। फिर थोड़ा रुककर बोला, तू तो शादी में गया था ना, वापस आ गया? मैंने अपने सामने खड़ी दुल्हन के लिबास में लदी नज़रें झुकाए रूबी को देखा और अपने फ़ोन पे कहा, चाबी की ज़रूरत है यार, कुछ बात भी बतानी है तुझे, तू जल्दी आ। उसने कहा, आ रहा हूँ, कहकर फ़ोन रख दिया। मैंने खुद से कहा, यार कहाँ है चाबी? जेब में तो रखी थी। मैंने अपनी सारी जेब खंगाली पर कुछ मुड़े टुड़े पैसों और कुछ कागजों के अलावा कुछ नहीं मिला। जेब खंगालते वक्त जेब से गाड़ी की चाबी गिर पड़ी, जो गिरकर रूबी के पैरों के नज़दीक आ पहुँची। मैं झुका और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रूबी दो कदम और पीछे हो गई। मैं चाबी लेकर उठा और वापस जेब में रखते हुए बोला, अभी आ जाएगा, वो अपने घर चला गया होगा। रूबी पर इस बात का कोई असर नहीं था, वो तो शायद अभी भी सदमे में थी कि उसकी शादी में यह सब क्या हो गया। वो यहाँ इस घर के लिए तो विदा नहीं होने वाली थी अपने घर से, या ये सोच रही थी कि कैसे यहाँ आ पहुँची, जहाँ आना उसने कभी भी नहीं सोचा था। मैं इंतज़ार कर रहा था अपने दोस्त का, बार बार सीढ़ियों की तरफ नज़र आ रही थी, लेकिन रात के इस वक्त कोई आस पड़ोस का भी नहीं दिख रहा था। मेरी नज़र रूबी पे गई तो बस एक मासूम से चेहरे वाली एक सादगी से भरी लड़की दिखी, जो दुल्हन के लिबास और श्रृंगार में सजी थी। उसका लाल दुपट्टा उसके माथे तक आकर उसे ढक रहा था। उसकी आंखों में लगा काजल बह गया था उन आंसुओं के साथ जो अभी उन आंखों से बहे थे। सूने हो चुके होठ जैसे कोई भी लफ्ज अब उनसे बयां नहीं होगा, और कुछ भी था उस चेहरे में, एक आत्मग्लानी सा कुछ। ये ले चाबी, मेरे पीछे से आगे आकर मेरे दोस्त रियाज ने कहा और मेरे सामने एक दुल्हन को देखकर चौंक गया। कुछ बोलता इससे पहले मैंने उसके हाथ से चाबी ली और दरवाज़ा खोलकर फ्लैट में दाखिल हुआ। रूबी को बिना कहे बस इशारे से आने को कहा और उसे बेडरूम तक ले गया। बेडरूम में मैंने लैंप को ऑन किया तो कमरे में कुछ रोशनी हुई। उसे बैठने को कहकर मैं बाहर आया तो देखा रियाज दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था। मैं जानता था उसके मन में आने वाले सवालों को। मैंने उसे अभी नज़रअंदाज किया और किचन से पानी की बोतल लेकर वापस बेडरूम में गया। दुल्हन के सामने पानी रखकर मैंने कहा, मैं बाहर ही हूँ, कुछ भी हो आवाज़ दे सकती हैं आप। मैंने बेडरूम से बाहर आते वक्त बेडरूम के दरवाजे का पर्दा लगा दिया था और रियाज के पास आ गया। उसने मुझे गुस्से से देखा और फिर हैरान होकर बोला, यार तू तो किसी और की शादी में गया था ना, तो ये किसकी दुल्हन है और तेरे साथ क्यों है? मैंने उसे धीरे बात करने को कहा और अपने साथ उसे बालकनी पे ले आया। उसके दोबारा पूछने से पहले ही मैंने कहा, मेरी दुल्हन है, मुझसे शादी हुई है उसकी। वो हैरानी से सर पकड़कर बैठ गया। मैंने कहा, सुन तो, अब सुन ना यार, वो गुस्सा दिखाते हुए बोल रहा था, तेरे से बात नहीं करनी, मुझे बताया भी नहीं, बुलाना ही नहीं चाहता होगा, कभी बताया भी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड भी है तेरी। वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। मैंने उसे गुस्से से कहा, अबे बात को सुनेगा, आज जो हुआ वो अजीब था यार, अब कैसे बताऊँ? ये कहकर मैंने बालकनी पे हाथ रखकर सामने दूर तक देखा और कहा, वो अलाउद्दीन सर की बेटी है यार। रियाज ने सुनकर कहा, अलाउद्दीन सर की बेटी? मैंने उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा, आज उसकी शादी थी ना, तो वो तेरे साथ कैसे? मैंने उसे कहा, सब बताता हूँ, तू अब आराम से सुन कि आज क्या हुआ। सुबह से आज का दिन मैं अपने रोज के उन्हीं कामों में उलझा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने अलाउद्दीन सर थे। मुझे लगा मिलने आए हैं, तो मैं उनकी खातिरदारी में लग गया। वो मेरे गुरु भी थे और पढ़ाई में मेरी बहुत मदद भी करते आए हैं। वो खुश थे और मैं भी उनको देखकर खुश था, वो मेरे गुरु जैसे ही तो रहे हैं हमेशा। सब कुछ उनसे सीखा और उनका मनपसंद स्टूडेंट भी रहा था मैं। वो आए थे अपनी बिटिया की शादी में आने का इन्विटेशन देने। अलाउद्दीन सर ने शादी का कार्ड देकर आगे कहा, आज शाम को मेरे घर पहुंच जाना, ठीक है? मैंने कार्ड देकर कहा, सर आप आज आए हैं ये कहने? वो बोले, अरे बरखुरदार, बहुत काम था, लेकिन याद था कि तुमको ज़रूर बुलाना है, एक ही तो बेटी है, कभी मिले हो उससे कि नहीं? मैंने कार्ड पर नाम पढ़कर कहा, रूबी? जी नहीं सर, कभी नहीं, मैंने उन्हें देखा भी नहीं है। वो अपना चश्मा उतार कर सामने टेबल पर रखते हुए बोले, अरे हाँ, मैं भी तो भूल ही गया,
कि जब तुम घर आया करते थे तब वो नानी के घर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। तुम दोनों का तो सामना ही नहीं हो पाया कभी। वो आगे बोले, खैर आज जाओगे तो ज़रूर मिलना, उससे बहुत बार तुम्हारा जिक्र किया है हमने, वो तो अपना कॉम्पिटेटर मानती है तुमको। मैंने मुस्कुरा के कहा, कॉम्पिटेटर? मेरी दुविधा को दूर करते हुए वो बोले, जब उसके मार्क्स कम आते थे तो हम उसे यही ताना देते थे कि देखो मेरे स्टूडेंट अयान को, वो तो हमेशा टॉप के मार्क्स लाता है, तो वो बहुत चिढ़ती थी तुम्हारे नाम से। मैंने कहा, तब तो वो ठीक से मिलेगी भी नहीं। सर हंसने लगे और बोले, अच्छा शाम को आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा, और उसकी शादी के बाद बहुत अकेले हो जाएंगे, तुम होगे तो खुद को संभाल लेंगे। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, सर ये दिन तो बहुत ही खास है, इस तरह उदास नहीं होना चाहिए, वो खुश तो है ना रिश्ते से। वो हंसते हुए बोले, अरे बरखुरदार, आजकल का ज़माना अपनी पसंद से सब करता है, और हमारी बेटी रूबी तो एमए कर रही है, तो जिद्दी भी है, तो मानना ही पड़ा हमको। मैंने उनसे कहा, तो आप जानते हैं लड़के को? वो कुछ सोच में पड़ गए और बोले, वही तो थोड़ा सा ख्याल है कि जानते हैं उसे और उसके परिवार को, वो लोग पहचान में थे कभी, लेकिन उसके बाप और हम में थोड़ी अनबन हो गई थी, उसके बाप के खिलाफ केस किया था हमने, वो हमारे साथ एक बिजनेस किया करता था जिसमें उसका घपला सामने आया था, वो ठीक नहीं था तो हमने उसे सज़ा दिलवाई थी। अब तो काफ़ी साल हो गए, उस वक्त रूबी स्कूल में पढ़ा करती थी, रिश्ते के वक्त जब मुलाकात हुई तो वो बहुत खुशी से मिला, तो हमने भी बीती हुई बातों पर मिट्टी डाल दी। वो मुस्कुरा कर उठे और जाने लगे। उनके जाने के बाद मैंने कार्ड को खोल कर देखा, उसमें एक तरफ रूबी लिखा था और दूसरी तरफ जावेद लिखा था। मैं अलाउद्दीन सर का चहेता स्टूडेंट रहा था, उनके घर जाकर ट्यूशन लेता था, फिर उन्हीं के सिखाने से आज एक अच्छी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, जो मेरा खुद का एक सपना था। सर के परिवार में बस वो थे और उनकी बेटी। सालों पहले एक हादसे में उनकी वाइफ का देहांत हुआ था, सालों बाद आज इतने खुश लगे तो मुझे भी अच्छा लगा उन्हें खुश देखकर। शादी की रात शाम से ही आकर मैं शादी के कामों में लगा था। आने से पहले अपने दोस्त को भी बता दिया था कि मैं एक शादी में जा रहा हूँ, तो वो मेरे फ्लैट में आकर रहे। मैं जब शादी के माहौल में दाखिल हुआ तो देखा कि काफ़ी चहल पहल है हर तरफ, पर सब अनजान चेहरे थे मेरे लिए। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि तभी अलाउद्दीन सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? मैंने उन्हें अपने अनजान माहौल के बारे में कहा तो वो मुझे लोगों से मिलाने लगे। फिर वो मुझे अपनी बेटी से मिलाने जा ही रहे थे कि बारात आ गई। बारात के आने की वजह से उस वक्त मैं उनकी बेटी से नहीं मिल सका, मुझे उनके साथ बारात की खातिरदारी के लिए गेट पर जाना पड़ा, लेकिन जो हुआ वो ना ही कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। बाराती थे तो बारातियों के नाम पर, यानी बारातियों के तौर पर सिर्फ लड़का और उसके माँ बाप के अलावा कुछ गिनती के लोग थे। उन्हें देख कर लग रहा था कि वो शादी के लिए नहीं लड़ाई करने आ रहे थे। ये सब देखकर बड़ा ही अजीब लग रहा था, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हर कोई हैरान था। इधर से अलाउद्दीन सर उनकी तरफ बढ़े और बोले, बेटा ये सब क्या है? उस्मान भाई आप लोग इस तरह, बात क्या है? उस्मान खान जो लड़के का बाप था उन्होंने सर को जवाब देते हुए कहा, आज आपको मालूम होगा कि भरी महफिल में बदनामी किसको कहते हैं। जैसे आपने हमारे साथ की थी, हमें बदनाम किया था सबके सामने, आज बदला लिया जाएगा उसका। अलाउद्दीन सर के जानने वाले और लोग यहाँ आ गए थे और उन सब ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बात क्या है। उस्मान जो लड़के का बाप है आगे कहते हैं कि वो वही कर रहे हैं जो ठीक है, वो अपनी बेइज्जती का बदला बेइज्जती से ले रहे हैं। उतने में ही सर उनके सामने झुककर माफ़ी मांगने लगे और बोले, ऐसा गुनाह मत करो, ये मेरी बेटी का सवाल है, मेरे किए की सजा उसे क्यों, वो तो बस बच्ची है। बेटा तुम ही अपने अब्बा को समझाओ कि वो ऐसा ना करे, तुम दोनों तो एक दूसरे को चाहते हो ना, तो ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा, सर ने जावेद को भी कहा था। जावेद ने कड़वी जुबान में कहा, जिस आदमी ने मेरे अप्पा के साथ ऐसा किया है उसकी बेटी से मैं शादी क्यों करूँगा, ये सब तो आज के दिन के लिए सब किया गया था, मुझे आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी वो तो अब आपसे भी ज़्यादा बदनाम हो जाएगी, आखिर उसकी शादी जो आज टूट रही है यही सजा होगी आपके लिए कि उसकी कोई शादी ना करे फिर कभी। कुछ ही देर में ये सारी खबर दुल्हन के कमरे तक पहुंच गई और रूबी जो दुल्हन थी वो कुछ लड़कियों के साथ यहाँ आ गई।
अपने अब्बा को संभालने लगी। वो और उस लड़के से कहती रही, ऐसा मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन वो एक बात भी सुनना नहीं चाहता था और बेशर्मों की तरह उसका परिवार हंसता हुआ जैसा आया था वैसे ही लौट गया। रूबी अभी भी अब्बा को संभालने में लगी थी, लेकिन वो खुद भी कहाँ संभाल पा रही थी। वो दो तरफ से दब गई थी, एक उसके प्यार ने उसे धोखा दिया और दूसरा उसके अब्बा की इज्जत। वो लड़का और उसका परिवार बस यूं ही लौट गए इस भरी महफिल का मजाक बनाकर, एक बाप और उसकी बेटी को दुनिया के सामने शर्मिंदा करकर। सब बुत बने खड़े थे, ये सब देखते रहे। आखिर करता ही क्या कोई, ये सब होते सिर्फ फिल्मों की कहानियों में देखा जाता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये सब हो तो वो लोग क्या करें। वो लोग शादी में सिर्फ खाने पीने नाचने गाने के लिए आते हैं, कोई भी इसके लिए तो तैयार होकर नहीं आता ना। मैं अलाउद्दीन सर के पास गया और उन्हें संभाल कर एक कुर्सी पर बिठाया। रूबी को कुछ लड़कियाँ अपने साथ आदमियों के बीच में लेकर वापस अपने कमरे में चली गईं। सब खामोश थे, मैं सर और बाकी लोग। फिर ठंडी आहें भरकर कुछ लोगों ने आपस में बातें शुरू कर दी। कोई सर की बेटी पे उंगली उठाता तो कोई उस लड़के पे। ये सब देखकर सर और भी परेशान हो गए अपनी बेटी के लिए। तभी एक शोर की आवाज़ दुल्हन के कमरे से आने लगी, जिसकी तरफ सब भागे। वहाँ पहुँचे तो देखा रूबी जो दुल्हन थी वो खुद को मारने पे तुली थी। खुद को जलाने के लिए माचिस हाथ में लेकर खुद को जला देना चाहती थी। उसे देखते ही सर उसकी तरफ दौड़े और अपनी बेटी को संभालने लगे। उसे ऐसा करने से रोकते हुए बोले, अगर तू ऐसा कर लेगी तो मेरा क्या होगा। ये सब जो हुआ है उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है बेटी, जिसके जवाब में कांपते होठों से रूबी ने कहा, क्या करें अब्बा, अब हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। ऐसा क्यों हुआ अब्बा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर हमारे साथ क्यों। कुछ देर सर अपनी बेटी को संभालते रहे, फिर कुछ देर बाद अलाउद्दीन सर इस माजरे पर कुछ लोगों के साथ बात करने लगे। काफ़ी देर वो कुछ सोचते रहे, मैं भी मौजूद था वहाँ। वो मेरे पास आए और बोले, बेटा तू ये सब सुधारेगा जो आज बिगड़ गया है। मैं एक अजीब कसमोकसमी आ गया था इस सवाल पर, लेकिन फिर भी मैंने कहा, सर आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। वो मुझे समझाने के लहजे से बोले, जैसा हमेशा समझाया करते थे। वो बोले, किस्मत में जो होना था वो तो हो गया, अब सब पहले जैसा तो नहीं हो सकता है, तो जो हुआ उसे भूलकर पीछे छोड़ना ही ठीक है। अभी हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारी बेटी को हुआ है गम, जिसे इतना सदमा हुआ कि देखा ना अभी वो क्या करने को तैयार थी। उसे संभालने के लिए कोई चाहिए और अब सिर्फ तुम ही हो बेटे जो उसकी बची हुई जान को बचा सकते हो, वरना वो टूट जाएगी। मेरे कंधे पर हाथ रखकर सर ये सब बोल रहे थे। मैं अजीब दुविधा में था। मैंने उनसे पूछा, लेकिन ऐसा कैसे होगा सर। वो बोले, ये सब जो भी हुआ इसका बहुत ही गहरा असर होगा रूबी पर, वो आगे कभी किसी पर भरोसा करने से डरने लगेगी। हम चाहते हैं कि रूबी आज शादी करे, यहाँ मौजूद लोग शादी देखने के बाद ही जाएं। आज रूबी इस घर से विदा हो और तेरे साथ चली जाए, ऐसा होने से मुझे ये भरोसा रहेगा कि उसका ख्याल रखने के लिए कोई और भी है हमारे जैसा। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, लेकिन सर ऐसे हालात में वो मुझे जानती नहीं है, पहचानती भी नहीं है, हम कैसे। सर ने मेरी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा, तुमको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वो भी जानती है कि तुम कैसे हो, और तुम दोनों एक दूसरे से भले ही अनजान हो लेकिन आज के बाद एक दूसरे को जानने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बस ये समझना बेटा कि तुम एक बेबस बाप का सहारा बन रहे हो। कुछ ही देर में सब कुछ फिर से तैयार किया गया। एक शांत से भरे महफिल पर एक थोड़ी खुशी का साया डाला जा रहा था। सर ने रूबी से बात की और उसे फिर से दुल्हन बनाकर महफिल में ले आए थे। शादी तो होने लगी, बस इस शादी के नाम का कोई भी कार्ड किसी के भी पास नहीं था। कुछ ही देर में कुछ लफ्ज़ मेरे मुंह से निकले, जी कबूल है, जिनको दुल्हन ने भी कांपते होठों से दोहराया। जैसा सर ने कहा वैसा ही हुआ, शादी देखने आए लोग शादी देखने के बाद ही गए, दुल्हन विदा होनी थी वो भी हुई। बस जिस घर में उसे जाना था वो घर हर तरह से उसके लिए अनजान था, और अनजान ही था वो शख्स जिसने उसका हाथ थामा था। जाते वक्त सर ने कुछ बातें कही मुझसे, दुल्हन गाड़ी में बैठी थी।
मुझे जाने की इजाज़त मिली तो कार को स्टार्ट करके मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। गाड़ी शुरू में धीरे और फिर तेज़ी से रास्ते पर दौड़ने लगी। कुछ वक्त गाड़ी में यूं ही खामोशी का अफसाना बना रहा। मैंने रूबी की ओर देखा, वो बस खूबसूरत सादी सी लगी जिस पर रास्ते में पड़ने वाले स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। वो दुखी थी, संजीदा थी और उसके होठों पर एक भयंकर खामोशी। कुछ देर बाद हम मेरे फ्लैट की बिल्डिंग के नीचे पहुंच चुके थे। मैं गाड़ी से बाहर आया और रूबी से बोला, हम पहुंच गए हैं। मेरे लहजे में बहुत सारी हिचकिचाहट थी। रूबी को साथ लिए जब मैं पांचवी मंजिल पर पहुंचा अपने फ्लैट के सामने, तब फ्लैट बंद देखकर अपनी चाबी ढूंढने लगा। चाबी नहीं मिली तो तुझे फ़ोन किया, अब रियाज सब समझ कर बोला। उससे कभी मिला नहीं पहले या कभी देखा हो? मैंने कहा, नहीं यार, कभी मौका नहीं मिला। उसने मेरे गले लगकर कहा, खैर सब छोड़, अब तू शादीशुदा है यार। ठीक है, बस इतना याद रख, कुछ रिश्ते ऐसे ही अनचाहे होते हैं, ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे यूनिवर्सिटी में मेरी कुछ दिन की छुट्टियों के लिए बोलने को कह दिया। वो बोला, ठीक है, उसकी फिक्र मत कर, अभी बस जा दुल्हन को देख, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं? ठीक है, मैं कल आता हूँ। मेरा दोस्त रियाज अब जा चुका था और फ्लैट में बस मैं था और मेरी एक अजनबी दुल्हन। रियाज के जाने के बाद मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर गया। वो वैसे ही दुल्हन बनी बैठी थी, कमरे में ज़्यादा अंधेरा नहीं था। मैंने उससे पूछा, कुछ चाहिए? मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, आपके लिए भी बना दूँ? उसने कुछ कहा नहीं तो मैं दो कप कॉफ़ी बनाकर ले आया और एक उसे देते हुए बोला, रात में कॉफ़ी पीना कोई बुरी आदत नहीं है। उसने मेरे हाथ से कॉफ़ी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसके मेहंदी लगे हाथों को देखा। कमरे में जल रहे लैंप की रोशनी में उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। वो एक कोमल सी ओस की बूंद की तरह लगी जिसके जैसा मासूम और कुछ भी नहीं होता, जो बस सुबह की किरण में पत्ते पर गिरी चमकती एक मोती सा लगता है। जाते वक्त मैंने कहा, अब्बा से बात कर लो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ये कहकर मैंने फ़ोन लगाकर उसे दे दिया और खुद बाहर आकर बैठ गया। कमरे से रूबी की आवाज़ आ रही थी, थोड़ी गुनाहों के बोझ के नीचे दबी हुई आवाज़ जिसमें आत्मग्लानि के अलावा ढेर सारा पछतावा झलक रहा था। मेरा घर जो कल तक एक बैचलर का था, अब यहाँ इस तरह से कोई आ गया था जो मेरे साथ ही रहने वाला था। सर ने कहा था कि हमें थोड़ा वक्त लगेगा एक दूसरे को अपनाने में। कुछ देर हुआ तो मैं बेडरूम की तरफ बढ़ा। अब रूबी के फ़ोन पर बात करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने बेडरूम का पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक पल को सहम सा गया क्योंकि मेरा हाथ किसी से टकरा गया था। वो रूबी का हाथ था, वो भी उसी तरह पर्दा हटाकर बाहर आ रही थी। एक पल वो भी रुकी, फिर मुझे सामने देखकर उसने फ़ोन मुझे दे दिया। वो अंदर वापस बेडरूम में गई तो उसके पीछे मैं भी आ गया। मैंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? वो मेरी तरफ मुड़ी तो उसके हाथों की चूड़ियाँ खनकी। उसका चेहरा मेरे सामने था, कुछ सूखे आंसुओं के निशान उसके गालों पर थे। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, अब्बा अकेले हैं, वो परेशान भी हैं। रूबी की आवाज़ उसके होठों से ना आकर उसके मन की गहराई से आ रही थी। तभी तो मुझ तक आने में उस आवाज़ ने कुछ वक्त लिया था। मैंने उसे कहा, आप परेशान मत हो, मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा और लोगों के बीच जो बातें रह गई थी वो बातें कर सकेंगे वो। मैं बेडरूम से बाहर आया और चाबी लेकर जाने को हुआ तो पीछे मुड़कर एक बार मैंने बस ऐसे ही देखा, रूबी पर्दे को हाथों से पकड़े बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, बस अभी आया, थोड़ी देर में थोड़ा इंतज़ार करिए। जाने में और अलाउद्दीन सर को लाने में आधा घंटा ही लगा। वो घर आकर रूबी से मिलकर खुश हुए, उसे बहुत सी बातें की। फिर जब मैं बीच में ही उठा तो रूबी भी उठ गई। मैंने उसे उठता देख कहा, आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। रूबी ने बिना मेरे तरफ देखे कहा, नहीं आप क्यों? हम दोनों ही चुप हो गए। अब तक कुछ नहीं कहा था, एक शब्द भी नहीं एक दूसरे से, और अब्बा के लिए चाय बनाने की उसकी आदत ने हम दोनों को थोड़ा असहज सा कर दिया था। अब्बा सब समझकर बोले, अरे रहने दो, इतनी देर रात चाय कोई ज़रूरी नहीं है, तुम दोनों से हमें बात करनी है, बैठो। सर ने हमसे कहा, अब किस तरह से ये सब हुआ वो सब भूल जाओ दोनों और आगे का सोच कर चलो। रूबी तुम्हारे लिए कभी हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, किसी भी चीज़ में नहीं, लेकिन शायद आज तुम्हें लगा हो कि जो हमने किया वो गलत था। तो बेटा उस पल को जो हमें सही लगा वो हमने किया, अगर ऐसा नहीं करते तो शायद ज़िंदगी भर तुम्हें फिर दुल्हन बना देखने को तरस जाते।
जो होना था वो हो गया बेटा, लेकिन अब तुम ऐसे शख्स के साथ हो जो भले ही अनजान ही हो, लेकिन हम जानते हैं वो तुम्हारी फिक्र वैसे ही करेगा जैसा हम करते हैं। बस तुम्हें कोशिश करना है कि तुम इस रिश्ते में अपना हिस्सा दो। अकेले कोई भी रिश्ता आगे तक नहीं जाता, तो तुम दोनों को ही साथ होकर इसे आगे ले जाना होगा। कुछ देर बाद अजान की आवाज़ आई तो रूबी ने अपने सर पर ओढ़ा दुपट्टा और आगे किया और पूरे सर को ढक लिया। मैं उस पल बस उसे देखता रहा जब तक अजान पूरी नहीं हुई। तब तक नींद से भरी उसकी आंखें, जो हर बार पलक झपकने पर वापस खुलने से इनकार कर रही थी, और उन्हें थोड़ा जोर देकर रूबी खोले रखती, देख रहा था मैं उसे। अजान होने के बाद अलाउद्दीन सर लौट गए कुछ और नसीहतें देकर। उनके जाने के बाद रूबी बेडरूम में जाकर सो गई और मैं इतना थका हुआ था कि बिना कुछ और किए बाहर सोफे पर ही सो गया। करीब 11 बजे सुबह मेरी नींद खुली, शायद अभी भी नहीं खुलती अगर दरवाजे पे खड़े शख्स ने डोर बेल को इतनी बार ना बजाया होता। तो मैं आधे मन से उठ ही रहा था कि मैंने देखा रूबी किचन से बाहर आई और दरवाजे तक जाने लगी। ये देखकर मैं सोने का नाटक करने लगा। मैं देखना चाहता था कि वो दरवाज़ा खोलकर उस शख्स से क्या कहती है। रूबी ने दरवाज़ा खोला और सामने रियाज था। उसने रूबी को पहचान लिया था। उसने मेरी तरफ़ देखा कि कैसे मैं सोफे पे सोया हूँ। वो अंदर आते हुए बोला, अभी तक उठा नहीं? और मेरे पास आकर मुझे उठाया। मैं उठा और रूबी को देखने लगा। उसने वापस किचन में जाते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लीजिए आप लोग। रियाज ने कहा, हाँ भाभी, बहुत तेज़ की भूख लगी है। रूबी के किचन में जाने के बाद मैंने रियाज को मारते हुए कहा, क्या कहा भाभी? उसने कहा, यार अब तेरी शादी हुई है तो तेरी बीबी मेरी भाभी हुई ना। वो हंसने लगा ये कहकर, समझा कर यार, इतना आसान नहीं है ये सब जो हुआ है, थोड़ा वक्त लगने वाला है। मैं रियाज से कहता हुआ हाथ मुँह धोने वाशरूम चला गया। वापस आकर देखा तो टेबल पर रियाज नाश्ता शुरू भी कर चुका था और किचन में रूबी थी। मैं किचन में गया और बोला, कोई ज़रूरी तो नहीं था इतनी जल्दी ये सब? वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ज़रूरी तो शायद और भी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो सब आपने हमारे लिए किया है ना, तो बस। नाश्ता करके रियाज जाते हुए रूबी की खूब तारीफ कर गया। मैंने बर्तन साफ़ करने में रूबी की मदद की। वो प्लेट धोकर दे रही थी और मैं बर्तन को बर्तन स्टैंड पर लगा रहा था। हमें किचन का अंदाज़ा हो गया है, ये कर लेंगे हम, रूबी ने बिना मेरी तरफ़ देखे कहा। मैंने उसके जवाब में कहा, मैं छुट्टी पर हूँ, बस सोचा थोड़ा मदद कर दूँ, पहले से आदत थी खुद से ये सब करने की, तो बस इसलिए। उसने पहली बार कोई सवाल किया। उसने पूछा, आप दिल्ली में कब से हैं? मैंने उसे कहा, बचपन से हूँ, मेरा कोई सगा नहीं रहा था तो मामा के घर से ही स्कूल पूरा किया, फिर खुद काम करके यहाँ इस फ्लैट में आ गया। पहले किराए पर था, पर जब से आपके अब्बू से जान पहचान हो गई तब से थोड़ी ही मेहनत में मुझे लेक्चरर की परमानेंट जॉब लगी, तभी इसे खरीद लिया। दिल्ली में बस एक मेरा यही दोस्त है जो अभी गया नाश्ता करके, रियाज। दोपहर भारी थी थोड़ी। रूबी और मेरे बीच कोई बड़ी बातों का सिलसिला नहीं चल पा रहा था। वो अकेली उदास बेडरूम में बैठी रहती तो कभी बालकनी पे जाकर खड़ी हो जाती, उससे बात करने को बेचैन था मैं। ना जाने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिलने का एहसास था या कुछ और, लेकिन रूबी का आसपास होना मुझे मीठी मीठी खुशी दे रहा था। सारा दिन बस औपचारिक चीज़ों में ही निकल गया था। रात में खाना खाकर मैं अकेला बालकनी में खड़ा था और वो बेडरूम में जाकर सो चुकी थी। कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर दिल से अपने आप ही एक आवाज़ सी आती है जो कह रही थी, धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी, फिर शायद मैं उसे अजनबी ना लगूं। अगले दिन सुबह भी मेरी आंख वक्त पे नहीं खुली और मैं टाइम देखते ही जल्दी में आ गया और जल्दी जल्दी नहाया, कपड़े पहने और बिना नाश्ता के बाहर जाने को दौड़ा। तो मेरी हड़बड़ी का कारण पूछते हुए रूबी ने कहा, इतनी जल्दी क्यों है आपको? मैंने उसके हाथ से जूस का गिलास लेकर कहा, वो कॉलेज पहुंचना है, मैं लेट नहीं होता हूं, लेकिन आज 9 बज गए हैं इसलिए। मैंने उसे खाली जूस का गिलास दिया और मुड़ा ही था कि उसने कहा, पर संडे है ना आज, ये याद नहीं? ये सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने दरवाजे के पास टंगे कैलेंडर को देखा और पक्का किया कि हाँ आज संडे है। फिर पीछे मुड़ा तो देखा वो हल्के से मुस्करा रही थी और फिर जाते हुए बोली, वो आपके शर्ट का कॉलर। मैंने आईने में देखा, कॉलर उल्टी तरफ मुड़ा हुआ था, तभी सोचू कि सांस लेने में कुछ तो खटक रहा है।
रूबी को पीछे देखकर मैंने कहा, आप ये और पहले भी कह सकती थी ना। वो मुस्कुराई और बोली, पता नहीं क्यों लेकिन आप में और अब्बू में ये एक आदत देख रहे हैं, अपने काम के लिए हमेशा तैयार। उन्हें भी कभी देर होती तो ऐसे ही करते थे और हम उन्हें बताते नहीं थे कि संडे को वो ऐसा कर रहे हैं। कुछ और दिन बीत गए, हमारे बीच कोई गहरी तो नहीं लेकिन कुछ बातें होने लगी थी। ऐसे ही एक रोज़ जब मैं बालकनी पे खड़ा सुबह की चाय का मज़ा ले रहा था, तभी रूबी की आवाज़ से मैं चौंक गया। मैं भागकर किचन में आया तो देखा रूबी ज़मीन पे बैठी थी, अपने पैर को पकड़े और उसी के पास एक कुर्सी भी लुढ़की हुई थी। देखकर समझ गया कि वो कुर्सी से गिर गई है। मैंने फिक्र में कहा, आप ठीक हैं, क्या हुआ, कहीं लगा तो नहीं। वो बस दाएं पैर को पकड़े कराहस ही रही थी। मैंने उसे उठाने के लिए सहारा दिया, उसका हाथ अपने कंधों पर लिया और कमर से उसे थाम कर बाहर ले आया सोफे पर। उसके पैर को देखने के लिए मैंने जब अपना हाथ उस पर रखा तो वो दर्द से कराह उठी, तो मैंने कहा, ज़्यादा लग गया है, चलिए डॉक्टर के पास। मैं फ्लैट लॉक करके आगे बढ़ा तो देखा वो खड़ी थी, सीढ़ियाँ उतरना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। मैंने उसे कहा, उठाता हूँ आपको, ये कहकर उसे उठा लिया। किसी फिल्मी रोमांटिक सीन की तरह लग रहा था। उठाते वक्त उसे थोड़ा पैर में दर्द हुआ तो उसने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली थी, जो अभी भी उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी सांसें सीधे मेरे चेहरे पे महसूस होने लगी। मैं धीरे धीरे सीधे उतरा, कुछ कदम चलकर उसकी तरफ नज़र गई तो देखा उसकी नज़रें मुझ पर थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे इस तरह से देखा तो उसने नज़रें चुरा ली। सबसे नीचे वाली मंजिल पे हनी वाली भाभी ने हमें इस तरह देखा तो वो मजाकिया लहजे में बोली, अरे वाह, नया नया शादी हुआ है ना, कैसे ज़मीन पर पैर रखने दोगे, लेकिन संभाल के ये कमरे वाला रोमांस यहाँ बाहर नहीं करना। उनके सामने से गुजरते हुए मैंने बस इतना कहा, आप गलत समझ रही हैं, इनके पैर में चोट लगी है तो सीढ़ियों पर चलना मुश्किल है, इसीलिए बस। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही मैं आगे बढ़ गया, फिर कार चलाकर डॉक्टर के पास पहुँचा। डॉक्टर ने चोट को देखकर दवाई दी और आराम करने की सलाह दी। रूबी को लेकर लौटते वक्त मैंने उसे देखा, वो कार की खिड़की को ऊपर नीचे कर रही थी, अपनी उंगलियों को शीशे पे फिरा रही थी। कुछ दर्द कम हुआ क्या, मेरे अचानक ये पूछने से वो थोड़ा सा असहज हो गई, फिर बोली, हाँ हुआ है। मैंने कहा, कुछ खाएंगी आप, इस बहाने चोट से ध्यान भी हट जाएगा। उसने मंजूरी देते हुए बस नज़रों से ही इशारा किया था, पर मैं समझ गया था। एक रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त हमने कुछ बातें भी की, उसे देखकर अब ऐसा लगता था कि वो अब ये सब साथ लेकर चल रही है, गुजरा कुछ भूलने लगी है। मैं जब कोल्ड ड्रिंक लेने गया तो कुछ मिनट लग गए लौटने में, लौटकर देखा तो वो अपनी जगह पर नहीं थी। मैं टेबल पर कोल्ड ड्रिंक रख के आसपास देखने लगा, वो नहीं दिखी। मैं बेचैन होकर उसे ढूंढने लगा, आसपास वालों से भी पूछ लिया, फिर थोड़ा इधर उधर तक गया। मेरी बेचैनी मेरे चेहरे पर थी कि वॉशरूम की तरफ से उसे आते देखा तो मेरा दिल जैसे सीधा 100 की रफ्तार से नीचे गिरा और एक एक धड़कन जैसे अब धीमे और धीमे महसूस होने लगी। वो मेरे सामने आ गई तो मैंने एक गहरी सांस ली। उसने मुझे परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ, आप हाँफ रहे हैं। नहीं तो कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। मैंने कुछ जाहिर नहीं किया क्योंकि ये तो एक मामूली बात थी, वो तो मैं ही था जो इतना बेचैन हो गया था। टेबल पर बैठते ही पास वाले टेबल के एक बुजुर्ग दंपति ने रूबी से कहा, अरे बेटा कहाँ चली गई थी तुम, अभी कितना परेशान हो गया था तुम्हारा पति, आसपास सब जगह देख लिया था, तुम मिली ही नहीं। मैं अपने रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछ रहा था, लेकिन ये सुनकर मैं अब अपना पूरा चेहरा उसी रुमाल में छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। रूबी की तरफ देखने से पता नहीं क्या मुझे रोक रहा था, फिर भी एक नज़र उसकी तरफ गई तो देखा वो बस मेरी तरफ देख रही थी। तभी उन्हीं आंटी की आवाज़ आई जो अपने पति से बोल रही थी, लगता है बहुत प्यार करता है उससे, अभी देखा ना कितना परेशान था, लेकिन उसे वापस आता देख खुश हो गया था। रूबी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था मैं, शायद बिना किसी गुनाह के खुद को गुनाहगार मान रहा था। यह एहसास मेरे लिए पूरी तरह से नया था, कभी किसी की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन अब क्यों, रूबी की ज़रूरत या उसका अपना साथ होना एक आदत से बढ़ चुका है, ये कहाँ समझ पा रहा था मैं। हम घर लौट आए, रात हो गई थी तो वो कमरे में जाते वक्त मेरे पास आई और बोली, थोड़ी हिचकिचाहट से आपको ज़रूरत नहीं इस तरह बाहर सोफे पर सोने की, आप बेडरूम में सो जाया कीजिए, हम नीचे बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। मैंने उसे देखा, उन आंखों में जैसे कुछ ऐसा था जिसे मैं समझा नहीं था। उस पल वो बेडरूम में चली गई
जब मैं अंदर गया तो देखा वो बेड के पास एक बिस्तर बिछा रही थी। मैंने उसे रोक दिया और बिस्तर लेकर कहा, अरे इसकी ज़रूरत नहीं है रूबी, मैं बाहर इसलिए सोता हूँ कि क्योंकि मुझे पसंद है सोफा पर और बालकनी से हवा भी आती है बस। वो मेरे सामने वैसे ही खड़ी थी। मैं उसके बगल से धीमे कदमों से गुजरा और बेडरूम के दरवाजे से कहा, रूबी आप और मैं अभी शायद एक दोस्त भी नहीं हैं, बस एक ऐसा रिश्ता बन गया है आपके और मेरे बीच जिसकी बुनियाद कभी बनी नहीं, लेकिन रिश्ता खड़ा कर दिया गया तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ना। वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, हम बस बोझ नहीं होना चाहते किसी पर। इस तरह आप बाहर सो जाते हैं तो लगता है हम आपका कुछ आपसे छीन रहे हैं। मैंने उसे कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप भी जानती हैं। गुड नाइट। मैं बाहर आकर सोफे पर लेट गया। काफ़ी देर तक रेस्टोरेंट वाली बात याद आती रही। मन में जितनी भी बार रूबी का चेहरा आता तो अंदर कहीं एक गुदगुदी का एहसास होता, खुद की होठों पे एक हंसी आ जाती। बिना किसी वजह के मैं तकिए में खुद को छिपाने की कोशिश करता। मेरी आंख रात 2 बजे खुली, फिर नींद भी नहीं आ रही थी तो मैं कभी टीवी ऑन करके देखने लगता तो कभी बालकनी पे जाकर खड़ा हो जाता। 3 बजे में जब बालकनी पे खड़ा बहने वाली ठंडी हवा को महसूस कर रहा था कि तभी पीछे से रूबी की आवाज़ आई, आप सोए नहीं? मैं मुड़ा तो वो मेरे सामने थी। मैंने कहा, नींद खुल गई तो दोबारा आ ही नहीं रही। वो मेरी तरह बालकनी पे आकर खड़ी हो गई। बहती तेज हवा ने उसके सर का दुपट्टा उसके कंधे पे ला दिया और उसके काले रेशम से बाल हवा की लहरों के साथ बहने को मचल उठे। रूबी ने अपने दुपट्टे को सर पर फिर ओढ़ा और हवा ने फिर वही किया। रूबी ने दोबारा दुपट्टे को ओढ़ा तो ना जाने क्यों मैंने उसके दुपट्टे को उसके सर से हटा दिया। मेरा हाथ खुद पर महसूस करके वो मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने कहा, अब हवा है, मानेगी थोड़े ना, रहने दीजिए, ज़रूरी नहीं है इसका सर को अभी ढकना। वो मेरी तरफ देखने लगी, इस बार उसके बाल पूरी तरह हवा के साथ लहराने लगे। कभी कोई लट उसके गालों पर आ जाती तो कभी उसके कंधे पर झूलने लग जाती, जिन्हें वो पीछे कर देती। मैंने उसे कहा, आप कॉफ़ी पियेंगी? वो अपनी लटों से उलझी हुई बोली। इस वक्त मैं किचन की तरफ जाते हुए बोला, तो क्या हुआ, मैं तो कभी भी पी लेता हूँ। आज कई दिन बाद किचन को देखा तो सच में लगा कि हर चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं है, जैसे चीनी का डिब्बा चाय पत्ती के साथ और कॉफ़ी का पैकेट उसके बगल में। हर चीज़ इस तरह थी जैसे सब सामने हो, सजाई हो। ये किचन था कि कोई एग्जीबिशन हॉल, समझ नहीं आ रहा था। जब मैं किचन में खाना बनाया या चाय बनाया करता था तो हर एक चीज़ को ढूंढना पड़ता था। ठीक ही कहते हैं, कोई लड़की कैसे हर चीज़ को संभालती है ये समझना आसान नहीं हमारे लिए। ये तो बस वो आसानी से कर लेती है, जैसे कोई बड़ी बात ना हो ये सब करना उनके लिए। कॉफ़ी तैयार होते ही कप में डालते वक्त मैंने रूबी को देखा जो किचन के दरवाजे से मेरी तरफ देख रही थी। वो अपने दाएँ पैर पर भार ना देकर बाएँ तरफ थोड़ा झुकी ही सी थी। वो बहुत अच्छी लग रही थी। कप भर गया है, रूबी ने यह कहा तो मेरा ध्यान वापस कप पे गया जिसमें से कॉफ़ी अब भर के बाहर बह रही थी। मैंने उसे साफ किया तो वो मेरे पास आ गई और उसने दूसरे कप में कॉफ़ी को डाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसका कप भी ले लिया और बालकनी में आ गया। वो आई तो उसे उसका कप देकर मैं हॉल से एक कुर्सी ले आया और उसे बैठ जाने को कहा। बालकनी पे हम कॉफ़ी पी रहे थे, वो पीकर बोली, बहुत अच्छी बनाते हैं आप। मैंने कॉफ़ी पीते हुए कहा, इतनी बार बनाया है कि अब तो अंदाज़ा हो गया है। वो मेरे सामने बैठी इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरी नज़र उससे हटी नहीं रही थी। शायद उसी पल मेरे मन ने मुझसे कह दिया कि मुझे रूबी से प्यार हो गया है, वरना आज तक कोई इतना अच्छा क्यों नहीं लगा मुझे। फिर खुद की ही बेवकूफ़ी पे हंसी आ गई। मुझे अकेले मुस्कुराता देख रूबी की नज़रों ने मुझसे सवाल किया जिसका जवाब मैंने दिया। बस कुछ याद आ गया था, वो भी ना समझने वाले अंदाज से मुस्कुराई। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने उसे सोने को कहा और वो खुद भी सोने जाने लगा तो उसने धीमी आवाज़ में पूछा, आज रेस्टोरेंट में आप इतना परेशान क्यों हो गए थे? मैं समझा नहीं कि क्या कहूँ, लेकिन रूबी से मैंने कहा, पता वही, बस ऐसा लगा कि खुद की जिम्मेदारी थी तो लापरवाही करना कोई बड़ी बात नहीं लगी कभी, लेकिन आपके मेरे साथ होने से मैं आपकी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाह रहा हूँ। आप जब नहीं मिली वहाँ पर और कुछ कहा भी नहीं था आपने तो मैं थोड़ा सा डर गया था। कई तरह के डर थे मुझे। रूबी के हाथों में उसका खाली हाथ कप था जो वो अपनी हथेलियों में घुमा रही थी। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ से कप लेकर कहा, जिम्मेदारी नहीं समझिए इसको, जिम्मेदारी को भरोसा बनाइए।
रिश्ता निभाने के लिए भरोसा जरूरी है। जिम्मेदारी तो बस उस भरोसे का एक हिस्सा है। आप हम पर भरोसा करेंगे तो हम कभी भी उसे टूटने नहीं देते। वो आगे बढ़ी और किचन में कप रखकर सोने चली गई। मैं भी सोफे पे आकर सो गया। उसका कहा इतना अच्छा लगा कि मन में वो कहा हुआ बार बार सुनाई दे रहा था। चांद रात, रमजान का आखिरी रोज़ा खोलकर रूबी के साथ मैं छत पर खड़ा था चांद देखने के लिए। बादलों का हल्का घेरा आसमान के ज़्यादातर हिस्से पर था, पर इसके बावजूद चांद देखने वालों की कमी नहीं थी। अपनी अपनी छतों से लोग बादलों से बचे हुए आसमान में चांद की तलाश कर रहे थे, जैसे रूबी की नज़रें उस चांद को देखने के लिए बेचैन थी। वो कभी छत पर बनी बैठक पर चढ़ जाती तो कभी इधर उधर चलकर सारे आसमान पर नज़र दौड़ाती। मेरी नज़रें तो चांद को ही देख रही थी तब से, जो उस आसमान के चांद को देखने के लिए बेचैन थी। मेरा फ़ोन बजा और मैंने उठाकर बात की। वो सर थे जो ये बता रहे थे कि उनको खबर मिली है कि चांद देखा जा रहा है। जब मैंने ये रूबी से कहा तो उसने मुझे रोक दिया और कहा, किसी और के बताने से अच्छा नहीं लगेगा, पहले कोशिश करते हैं खुद देखने की, फिर नहीं दिखा तो कोई ना कोई तो बता ही देगा ना। सर से बात करने के बाद जब मैं वापस बैठक पर बैठने वाला ही था कि रूबी ज़ोर से चिल्लाई, दिख गया चांद, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमें दिख गया। मैं उसे देखने उसकी तरफ बढ़ा तो उसने कहा, यहाँ आइए और देखिए, हम दिखाते हैं। उसने अपने हाथ को फैलाकर आसमान की तरफ इशारा किया। उसने मुझे अपने करीब किया और कहा, हमारी नज़रों के सीध में देखिए। उसके इतना करीब होना मेरे लिए कुछ और ही था। उसके हाथ के इशारे से उस आसमान को देखने पर भी मुझे वो चांद तो नहीं दिखा, लेकिन जब मेरी नज़रें उसके हाथों से होकर गुजरी तो मैंने देखा उसके मेहंदी लगे हाथ को, नाजुक सी कलाई को कोहनी तक मुड़ी, उसकी आस्तीन को कंधे पे झूलते उसके बालों को, और देखा उसकी उम्मीद पे खरी उतरने वाली निगाहों को, जिनमें एक जिंदगी थी, एक जिंदा दिली की जिंदगी, गहराई तक बस सच्चाई और कुछ नहीं। आपको दिखा क्या? उसके पूछने से मैं उसके बरसते नूर की बारिश से बाहर आया और कहा, हाँ देखा ना, बहुत खूबसूरत है। अब उसे क्या पता था कि हम क्या देख रहे थे, चांद या किसी का नूर। वो मुस्कुराकर हटी और ढेर सारे अदब के साथ नजरें झुकाए हुए अपनी हथेली से सलाम करते हुए कहा, ईद मुबारक। रात होने पर रूबी को मैं बाजार लाया कुछ खरीदने। कुछ दुकानें देखने के बाद एक जगह मैंने एक लाल सेट्स वाले सफ़ेद सूट को देखा जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं उसे खरीद कर रूबी को देना चाहता था लेकिन बिना बताए, तो मैंने कहा कि एक काम करके आ रहा हूँ, आप दुकान में कुछ खरीदना चाहें तो ले लीजिए और काउंटर पर मिलिए। थोड़ी ही देर में जब वो काउंटर पर आई तो मैंने खरीदे हुए थैले को उससे छिपा लिया जिसमें सूट था। उसके हाथों में भी एक थैली थी लेकिन पूछने पर उसने कहा कि अब्बा के लिए कुर्ता है। मैंने पैसे चुकाए और हम वापस आ गए। रास्ते में आते हुए रूबी ने अब्बा को उनका सामान दे दिया, लेकिन फिर भी उस थैले में कुछ तो था जो रूबी मुझसे छुपा रही थी। सुबह नहा कर निकला तो कपड़े लिए रूबी सामने खड़ी थी। उसे सामने देखा तो मैं ठिठक सा गया और वापस बाथरूम में घुस गया और कहा, आप इस तरह से सामने थी, हमें माफ़ कीजिए, हमें ध्यान नहीं था, आपके लिए कल ये ख़रीदा था तो वही देने आए थे, यहीं रख रहे हैं, पहन लीजिएगा। रूबी ने हिचकिचाहट से ये सब कहा और फिर वो लौट गई। मैं बाहर आया तो देखा एक बड़ा ही खूबसूरत कुर्ता था जो फिरोजी रंग का था। मैंने मन में सोचा कि शायद यही था उस पैसे में, फिर कुछ सोचकर बस मुस्कुरा दिया। अच्छा लगा ये देखकर कि ना कहते हुए भी कुछ तो है जो इन सब चीज़ों को कितना प्यारा बना रहा है। मैं कपड़े पहनकर बाहर आया तो देखा वो सामने बेडरूम के पर्दे को हाथों में लपेटे खड़ी थी। मुझे देखकर पर्दा उसके हाथों से छूटकर वापस फैल गया और रूबी ने मेरी तरफ देखा, फिर मुझ तक आई और कहा, हाथ ऊपर कीजिए। मैंने जब ऐसा किया तो वो अपने हाथों से मेरे बाजुओं की आस्तीनों को मोड़ने लगी, फिर बोली, अब ठीक है। गेट से बाहर जाते वक्त मैंने कहा, आपने ये मुझसे छिपा के लिया तो मैंने भी कुछ रखा है आपके लिए, मैं जब लौटूं तो उसमें आपको देखना चाहूँगा। उसने सोफे पर रखा थैला देखकर कहा, ठीक है अब आप जाइए, वक्त हो रहा है। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। नमाज से लौटकर दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा जरा देर से खुला पर सामने जो शख्स था वो बेइंतहा खूबसूरती का मालिक था। इसके बाल जो सुनहरी किरणों से सुनहरे थे, उसकी सुर में लगी आंखें इतनी हसीन थी कि कोई देखे तो बस देखता रहे। उसके होठों से निकले शब्द जो कह रहे थे, आप आ गए, ईद मुबारक। फ्लैट में दाखिल हुआ
तो उसे अपने सामने देखा और बस देखता रहा। उसकी हरकतों में एक रंजिश थी, उसके कदम या उसकी बाहें जैसे मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी और नहीं भी, पता नहीं क्या था उसकी नज़रों में, कुछ ऐसा ही तो हाल था मेरा भी। मेरी बाहें उसे अपनी आगोश में भर लेना चाहती थी, उसे दिल से ईद मुबारक कहना चाहती थी, लेकिन वो अजनबीपन हमारे बीच आकर खड़ा हो गया था जो अभी जरा सा बाकी था इस रिश्ते में। इस कसमकस को रूबी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तोड़ा और मुझसे हाथ मिलाकर ईद मुबारक कहा। मैं उसे गले नहीं लगा पाया, ये सोचकर थोड़ा गुस्सा आया मुझे खुद पर, लेकिन क्या करता। वो कुछ सिवई बनाने किचन में चली गई, मैं उसके पीछे वही किचन के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया। उसे देख रहा था कि कैसे उसने कटोरे में सिवई को भरा, फिर उसमें काजू बादाम डाला और फिर गर्म दूध डालकर मेरी तरफ मुड़ी। सिवई खाकर उसे मैंने खाली बैठा देखा तो कहा, आज आप बाहर चलेंगे मेरे साथ? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर कहा, अब्बा से मिलने चलते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा, फिर शाम को आप और हम कहीं चलेंगे। आइडिया अच्छा है, मैंने कहा। रूबी के अब्बा और मैं बालकनी में खड़े थे तो वही बातें पूछ रहे थे जिनको मैंने सोचा था। वो बोल रहे थे, रूबी और तुम दोनों अब आपस में सब ठीक है ना? मैं ये सुनकर पीछे मुड़ा और रूबी को ढूंढा नज़रों से, लेकिन वो दिखी नहीं। फिर किचन से आती गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी तो मालूम हो गया वो किचन में है। अरे बेटा कहाँ खो गए, कुछ पूछा हमने? अलाउद्दीन सर ने फिर दोहराया। मैंने जवाब देते हुए कहा, सा हाँ सर सब ठीक है, वो अब उन बातों से परेशान नहीं होती है। मेरे अंदर अभी भी उसी कसमकस का हल्का तूफान था जो शायद वो भाप गए थे। समझते थे कि रूबी और मेरे बीच की अजनबीपन को ख़त्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। वहाँ से लौटकर रूबी और मैं कई जगह गए। शाम के वक्त एक पार्क में हम बैठे थे, आसपास प्रेमी जोड़े घूम रहे थे, मौसम कुछ बारिश जैसा होने लगा था और वो मेरे सामने बैठी किसी अप्सरा सी लग रही थी। रूबी ने कितनी ही बार बारिश होने की बात करके घर लौटने को कहा था, लेकिन मैं ही उसे ईद का वास्ता देकर रोक रहा था। एक बात कहूँ, मैंने उससे पूछा, वो बोली, क्या वैसे आज बदले से हैं आप? मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ ये तो है, इंसान को बदलने के लिए कोई एक वजह ही काफ़ी होती है, आपको बदलने वाली वजह कब मिली? हम तो 3 महीने से देख रहे हैं, उसने मेरी आंखों में देखकर पूछा। मैंने कहा, मुझे भी कहाँ पता चला कि वो वजह बस एक शाम यूं ही चली जाएगी, जिसका पहले से कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा। वो सब समझकर खामोश रही, कुछ बोली नहीं। हवा तेज बहने लगी जिससे उसके बाल भी उसके साथ नाफरमानी करने लगे और मैं उसे देखे जा रहा था बिना पलके झपकाए। पता नहीं उसके चेहरे में ऐसा क्या था जो बस खींच रहा था अपनी तरफ। आप हमें घूर रहे हैं, रूबी ने नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर मैंने कहा, हाँ मैं उस वजह को देख रहा हूँ जो उस शाम मेरी ज़िंदगी में चली आई थी। वो खामोश होकर अपने हाथ से घास की पत्तियों को तोड़ने लगी। मैंने कहा, मुझे आपकी खामोशी भी उतनी ही पसंद है जितना कि आप। अगर सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि कब आपकी बस यूं ही आदत सी हो गई। उसने बस एक नज़र से मेरी तरफ देखा और फिर वापस अपनी नज़रें उस घास पर ले गई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी उंगलियों में फंसे घास के तिनकों को हटाने लगा। उसकी नज़र मुझसे मिली तो मैंने कहा, इस रिश्ते में पता ही नहीं चला कब आगे बढ़ गया मैं और आपको अपना वही जीवन साथी मान लिया जो कभी ख्यालों में सोचा था। देखो ना, आज इतनी हिम्मत हो गई है कि इसे कबूल कर पा रहा हूँ आपके सामने। रूबी, आपने ये रिश्ता किसी भी शर्त या हालात में किया हो या फिर मेरे साथ रहकर आप सिर्फ एक बीबी होने का फ़र्ज निभा रही हो, लेकिन मेरी तरफ से कुछ और भी है। शायद साफ साफ कहा जाए तो इस अनचाहे रिश्ते में जो प्यार बाद में होने को होता है ना, वो अब हो गया है मुझे। उसकी नज़रें अब तक मेरी नज़रों पर थी, वो मेरे अल्फाजों को सुनकर समझ गई थी सब। बस उसके चेहरे पर ये एहसास न आ जाए जो मेरे चेहरे पर था, इसीलिए उसने खुद के एहसास को छिपा लिया। उसकी आंखों में झांकते पता ही नहीं चला कब बारिश शुरू हो गई। आसपास के लोग ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां वो छिप सकें। मैं भी ऐसी ही जगह रूबी के साथ आकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदों से होती यह आवाज़ सीधा दिल में जा रही थी। आसपास प्रेमी जोड़े बारिश में भीग रहे थे। ये मौसम जैसे प्यार की बरसात ही तो लेकर चला आया था आज। मैंने रूबी की तरफ़ देखा तो पाया वो ठंड महसूस कर रही थी, थोड़ी कांप रही थी, अपने हाथों को बांध रखा था उसने। मैंने उससे कहा, ठंड लग रही है आपको? रुकिए,
मैं गर्म कॉफ़ी लेकर आता हूँ, उसने रोका ये कहकर। ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं, पर मैं ये बोलकर चला गया कि अभी लाता हूँ। बस कुछ मिनटों के बाद जब मैं लौटा तो देखा एक लड़की थी जो रूबी के साथ खड़ी उसे कुछ बोल रही थी। उनकी बात के बीच में ही मैं वहाँ पहुँच गया और कहा ये लीजिए कॉफ़ी। उस लड़की ने बात पूरी करते हुए रूबी से कहा कोई गलतफहमी हुई तुमको और तुमने हमारे भाई का साथ छोड़ दिया। तुम तो बहुत चाहती थी ना मेरे भाई को, फिर क्या हुआ, ऐसा क्यों किया? जिसके जवाब में रूबी ने उससे कहा तुम उस वक्त यहाँ नहीं थी जब ये सब हुआ, तुम्हें कुछ पता भी नहीं है कि क्या किया है तुम्हारे भाई ने हमारे साथ। जब ये सब जान जाना ना तब बताना क्या करना चाहिए था। मैं ये सब खड़ा सुन रहा था, वो लड़की चली गई तो मैंने कॉफ़ी देते हुए रूबी से पूछा आपकी बातें सुनकर लगा कि शायद ये जावेद की बहन थी। हाँ ये उसी की बहन रुखसार थी, उस वक्त ये यहाँ नहीं थी, लगता है आज कल में ही लौटी है, रूबी ने कॉफ़ी पकड़ते हुए कहा। मैंने बारिश के कम होते ही चलने को कहा और रूबी के साथ घर आ गया। वो अब ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी, वो तो थोड़ा सा उदास हो गई थी बातों बातों को याद करके। ईद का स्वाद रात आते आते फीका हो चला था। आज एक बात अच्छी ये हुई थी कि मेरे दिल की बात अब रूबी के सामने थी, लेकिन उसके जवाब को सुनना ही बाकी रह गया था। अगले दिन भी रूबी ने सब कुछ पहले जैसा ही किया, लेकिन आज कुछ उदास सी दिखी। मेरे किसी भी जोक पे हंसी भी नहीं। मुझे मेरे टाइम पे घर से निकलना पड़ा और मैं यूनिवर्सिटी आ गया। शाम के वक्त तक काम ख़त्म हो गया तो मैं जल्दी ही घर की तरफ निकल गया। रास्ते में रूबी के लिए फूल भी खरीदे, फिर अचानक ना जाने क्या देखकर मेरी नज़र वापस वहीं मुड़ी जहां लगा कि किसी पहचाने चेहरे को देखा है। जब ध्यान दिया तो सामने रूबी थी उस जावेद के साथ। वो कैफ़े में बैठी थी और मैं कैफ़े के दरवाजे से उसे देख रहा था। उन दोनों के बीच दो कॉफ़ी के कप थे, उनके बीच बातों का सिलसिला भी लगा। मुझसे ना जाने क्यों और देखा नहीं गया कुछ भी, फिर मेरे कदम खुद ही आगे बढ़ गए। मन ना जाने कैसे ये सोच रहा था कि जिसे अभी देखा वो रूबी नहीं है, वो कोई और है। लेकिन रूबी को फ़ोन किया तो उसने मुझसे झूठ कहा कि वो अपने अप्पा से मिलने आई है। रात के 8 बजे थे, घर के बाकी सभी लाइटें बंद थी, सिर्फ मेरे सामने का एक लैंप जल रहा था। फ्लोर पे एक गाना बज रहा था और मेरी आँखें भीगी थी। घर का दरवाज़ा खुला तो मैं उठकर बालकनी में चला आया और आँखों को साफ कर लिया। रूबी ने आते ही घर में लाइटें जला दी तो घर जैसे रोशन हो गया। वो मेरी तरफ बढ़ती हुई बोली पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। मैंने उसे देखा तो यूँ बोली आपकी आँख लाल क्यों है, क्या हुआ दिखाइए। मैंने बहाना किया कि आँख में कुछ चला गया है, फिर उसने कहा दिखाइए और वो मेरे करीब आकर मेरी आँखों में फूंकने लगी। उसकी गर्म सांसें फिर एक बार मुझे महसूस हुई, उसके हाथ मेरे बालों पर था, उसके होठों से आती हुई सांसें जो मेरी आँखों को उड़ा कर रही थी। रूबी मुड़ कर चली भी गई लेकिन उसका स्पर्श कुछ देर तक मेरे चेहरे पर ही रहा, लेकिन आज जो देखा था वो दिमाग में घूमता रहा। शायद एक शक दिल में घर कर गया था। कई महीने गुजरे लेकिन मेरे अंदर एक डर अब घर कर गया था, आखिर करता ही क्यों नहीं, मैं बस एक अजनबी उसके लिए और वो उसका प्यार। ना चाहते हुए भी रूबी के चेहरे पर आई आज कल की खुशी को मैं उसी जावेद की देन मानने लगा हूँ। वो अब ज़्यादा खुश रहती है, मेरे आसपास चहकती है, किचन में खाना बनाते हुए गुनगुनाती है, लेकिन किसके लिए, ये शायद वो सवाल आ गया था जिसका जवाब मैं जानना नहीं चाह रहा था। रूबी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था मैं, डरने लगा था किसी बात से। यूनिवर्सिटी से जल्दी ही आ जाता था अब मैं, कभी वो किसी काम से बाहर जाती तो उसका पीछा करता, खुद से सवाल करता कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे रूबी पर शक कर पाता। मेरे ख्यालों ने सारे सवाल खुद से किए और जवाब भी खुद ही दिया और मैंने सब सच मान लिया कि हाँ वो उसे अभी भी मिलती है, चाहती है, मुझसे उसे प्यार नहीं, वो तो जावेद के आने से खुश है। देखा ना आज किस तरह मुझे उसने कहा कि आने वाले महीने में एक खास दिन आएगा जब वो इस घर को सजाएगी। वो क्या सोचती है मुझे नहीं पता उस दिन का। अरे उस दिन तो उसकी शादी होने वाली थी जावेद के साथ। ये जावेद का ख्याल आते ही मैंने हाथ में थामा शीशे का जूस से भरा गिलास ज़मीन पे पटक दिया। वो गिलास चकना चूर हो गया और उसका जूस सारे फर्श पे बिखर गया, ठीक वैसे ही जैसे मेरा दिल बिखर गया रहा था। गिलास के टूटने की आवाज़ से रूबी किचन से बाहर आ गई और घबरा के बोली ये क्या हुआ, आप ठीक है ना, कहीं लगा तो नहीं। मैंने कुछ कहा नहीं लेकिन मेरे अंदर की आवाज़ जैसे उसे कह रही हो और कितना नाटक करोगी, ऐसे झूठे प्यार का दिखावा करके कहाँ जाना है, ये झूठी फिक्र किस काम की।
रूबी एक एक करके सारे गिलास के कांच को इकट्ठा करने लगी और मैं बुत बना उसे देख रहा था। उसने कांच को फेंका और एक कपड़े से गिरे जूस को साफ करने लगी, फिर मेरे पास आकर मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मेरे हाथ पे भी जूस लगा हुआ था। उसने अपने आँचल से मेरा हाथ पोंछते वक्त मेरी आँखों में प्यार से देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर वो वापस किचन में चली गई और वापस वैसे ही गाने लगी जैसे वो गुनगुना रही थी। कल वो खास दिन आने वाला था जिसका जिक्र रूबी ने किया था मुझसे। मैं तो हैरान था उसे देखकर कि अब तक मैंने उसे रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा। आखिर किस वक्त वो उस जाबेज से मिलती है, कितना भी कोशिश कर लूँ कुछ पता ही नहीं चलता। आज भाभी को बड़ा खुश देखा यार, रियाज ने मुझसे कहा तो मेरा ध्यान टूटा। मैंने कहा हाँ वो आजकल जरा खुश ही है। रियाज ने कहा भाभी को शॉपिंग करता देखा था बाजार में, सजावट का सामान ले रही थी, क्या बात है। ये सुनकर आगे मैंने कुछ नहीं कहा, बस ख्याल किया है कि हाँ मुझे तो बताया नहीं ऐसा कुछ, तो ज़रूर उस जावेद के साथ कल का दिन सेलिब्रेट करने का मन होगा और क्या, वो खास दिन। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकला तब भी कुछ भी बदला हुआ नहीं लगा रूबी में। वो तो हमेशा की तरह खुश और मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। यूनिवर्सिटी आ गया तो सोच रहा था कि शायद अब वो जावेद के साथ होगी, जब मैं घर पहुंचूंगा तब तक लौट आएगी। यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त ये सोचा कि लंबा रास्ता ले लेता हूँ, थोड़ा और इन्जॉय करने दो रूबी को उसके साथ। मन में अजीब खींच कर रही थी। मैं पैदल चलता जा रहा था, हर कदम हर सोच के साथ भारी होता जा रहा था। मैंने एक मोड़ पर जावेद को देखा, वो खड़ा था। मैं उसी की तरफ बढ़ गया। वो मुझे देखकर पहचानते हुए बोला, अरे आप ही हैं ना वो जिसने रूबी से शादी की है, भाई आपसे मिलने का बहुत मन था। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका कॉलर पकड़कर कहा, रूबी कहाँ है। उसने धीरे से कहा, भाई आप मुझे गलत समझ रहे हैं, वो मेरे साथ क्यों होगी, आखिरी बार उसे देखे 8 महीने हो गए हैं। मैंने कहा झूठ मत बोल, उसका अफेयर है तेरे साथ, तू क्या सोचता है मुझे पता नहीं। उसने खुद को मुझसे छुड़ाते हुए कहा, क्या। मैंने कहा आज यहाँ क्या कर रहा है, उसने तेरे लिए घर सजाया है, जाके मिलता क्यों नहीं, आज तो खास दिन है ना तुम दोनों के लिए, मेरी आंखें नम थी। वो मेरी बातें सुनकर बोला, भाई मानता हूँ कि आपकी नज़र में मैं अच्छा नहीं हूँ, आखिर जो मुझसे हुआ वो माफ़ी के काबिल भी नहीं, लेकिन भाई यकीन करो रूबी तो मेरी जान ले ले लेकिन मुझसे कभी मिले ही नहीं, वो मुझे माफ़ कर दे यही बड़ी बात होगी। क्या कहा। मैंने खुद तुम दोनों को कैफे में बैठा देखा, मैं उससे ज़रा दूर होता हुआ बोला। वो बोला यही तो वो आखिरी मुलाकात थी भाई, मुझसे गलती हुई कि मैं अपने बाप जैसा हो गया। रूबी तो सच्चा प्यार करती थी, इस बात का एहसास हुआ तो उससे मिलने की कितनी कोशिश की लेकिन उसने एक बात भी नहीं सुनी। रहा नहीं गया तो उससे कहा कि मैं आपको झूठ कह दूंगा कि रूबी और मैं साथ में कई रात सोए हैं। तब जाकर उसने मुझसे मिलने को हाँ कहा और उस दिन वो मिली, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। मुझे गुस्सा होता देख वो आगे बोला, लेकिन भाई उसने मुझसे मिलते ही कहा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी झूठी बातों से। उस दिन कैफे में वो यही कहने आई थी मुझसे कि मैं अब ऐसा करके अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। उसने मुझे समझाया, बहुत समझाया, तो लगा कि वो इतना कुछ होने के बाद भी बस अच्छा ही चाहती है मेरा, तो कैसे नहीं उसकी बात मानते। मैंने उससे माफ़ी मांगते हुए उसने माफ़ कर दिया और वादा लिया कि कभी आसपास नहीं दिखे। लेकिन भाई उसने ये भी कहा कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं, उसके पास कोई बहुत ख़ास है और यकीनन वो आपका ही जिक्र कर रही थी उस दिन, वो आपको चाहने लगी है अब। मैंने उसे कहा सच में, उस दिन के बाद कभी नहीं मिले। उसने कहा नहीं भाई कभी नहीं। जावेद माफ़ी मांगता हुआ लौट गया और मैं अब समझा कि जिसे मैं रूबी का दिखावा समझ रहा था वो तो हकीकत था। रूबी का प्यार जताना, मेरी फिक्र करना सब सच था। मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा उस पे भरोसा करना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया था। आँख भर गई उसकी बातें सोचकर। मैं घर की तरफ दौड़ा और जल्दी से रास्ता ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। सामने रियाज आता दिखा तो मैंने कहा रियाज यार रूबी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। रियाज ने मुस्कुरा के मुझसे कहा क्यों तुझे कोई शक था क्या। मैंने कहा हाँ लेकिन अब सब ख़त्म हो गया, मैं जा रहा हूँ उसका प्यार कबूल करने। ये कहकर मैं आगे बढ़ा तो उसने कहा कुछ लेके जा आज खास दिन है। मैं रुका और उसके पास आया और बोला क्या मतलब। उसने मेरे सर पे एक हाथ प्यार से मारते हुए कहा अभी पागल आज तेरी और रूबी की एनिवर्सरी है। मैंने कहा लेकिन आज ही तो उसकी शादी उस जावेद से होते हुए रुक गई थी ना।
अब भी दुविधा थी मेरी आवाज़ में। रियाज ने कंधे पे हाथ रखकर कहा, किसी फिक्रमंद दोस्त के नाते हाँ, लेकिन हुई किससे? मुझसे, मैंने कहा। फिर वो बोला, हाँ तो ये खास दिन तेरा ही हुआ ना। मैं अपनी ही सोच में डूबा ना जाने क्या क्या सोचता रहा अब तक, और सच हमेशा मेरे सामने ही था। मैं रियाज से बोला, आज मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी है, उसके प्यार पे शक करने के लिए। वो बोला, यकीनन वो हर बात माफ़ कर देगी। जा, तेरे लिए घर सजा हुआ है, अभी वहीं से तुझे ढूंढने निकला था। अभी जा रहा हूँ अलाउद्दीन सर को लेने। अब तू जा और एनिवर्सरी मना, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। मैं उसके गले लगा और घर की तरफ भागा। एक एक सीढ़ियों को छोड़ता हुआ जल्दी से ऊपर भागा, फ्लैट के दरवाजे को खटखटाया और खुलने के इंतज़ार करने लगा। दरवाज़ा खुला तो सामने रूबी थी, प्यार के रंग में रंगी, एक चुनर ओढ़े, आंखों में बसाया किसी का प्यार लिए जो मेरे लिए था। उसे देखता ही रहा। उसने हाथ बढ़ाया तो उसके नाजुक से हाथों पे अपना हाथ रख दिया मैंने और रूम में अंदर आ गया। पूरा घर सजा था, कुछ चकमगाती लड़ियों से टेबल पर रखा लैम्प और उस पर जलती मोमबत्ती, प्यार से भरा था माहौल। अब तक रूबी ने मेरा हाथ अपने हाथ से थामे रखा, मेरे साथ खड़ी थी। मैं उसकी तरफ मुड़ा और बस बिना कुछ कहे उसके गले से लग गया, उसे अपने आगोश में भर लिया। जब उसने हाथ मेरी पीठ पर करी तो मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए रूबी, आपके भरोसे पर शक करने के लिए। उसने वैसे ही मेरे कान में कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे इतने करीब हैं, कैसे कोई और आ सकेगा कभी। हमें खुशी है कि सब ठीक हो गया। कुछ देर तक रूबी और मैं वैसे ही गले लगे हुए खड़े थे। रूबी ने धीमे से कहा, अब हम हट जाएं, कोई देख ले। मैंने उसे और कसते हुए कहा, इतना इंतज़ार बस यूं ही मिनटों में तो नहीं भरेगा ना। वो कुछ कहती उससे पहले ही घर के खुले दरवाजे से एक आवाज़ आई, अभी छोड़, देख कौन आया है। रियाज की आवाज़ सुनाई पड़ते ही हम दोनों अलग अलग हो गए। दरवाजे पर रियाज और रूबी के अब्बा दोनों थे। वो दोनों अंदर आ गए तो रूबी खुद को बचाते हुए टेबल तक चली गई और मैं भी नज़रें बचाकर जरा साइड हो गया। सर रूबी के पास गए और उसे गले से लगाकर बोले, हमेशा खुश रहना बेटा, तुझे आज खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रूबी अप्पा के सीने से लगी मेरी तरफ देख रही थी। मैं भी उसे देख रहा था कि रियाज ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, क्या हो रहा था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस टेबल पर आ गया, रूबी का हाथ पकड़कर केक काटा और रूबी ने अप्पा को और रियाज को केक खिलाया। फिर एक टुकड़ा केक का मैंने रूबी को खिलाया और उसी टुकड़े को रूबी ने अपने हाथों से मुझे खाने को दिया। टेबल पर रियाज जोक सुना सुना कर अप्पा को हंसा रहा था और हम, यानी रूबी और मैं, हम दोनों बालकनी पे खड़े थे। बहती हवा में आज फिर उसके बाल लहरा रहे थे, आज फिर वो दुनिया की सबसे हसीन हुस्न की मालिक लग रही थी। बालकनी की रेलिंग पर अपने हाथ को सरका के मैंने उसके हाथ पे रख दिया। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई और मैंने कहा, आपको मैं कबूल हूँ? वो मेरे करीब आई और मेरे गले से लगकर बोली, जी कबूल है आप पूरे दिल से। ऐसा नहीं होता कि हमें प्यार नहीं मिलता, क्या पता वो कब आए और कैसे, क्योंकि मोहब्बत तो बस किसी वक्त या किसी खास उम्र की मोहताज नहीं है, वो तो बस आ जाती है जब आनी होती है। आप सभी लोगों को इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।